तिरंगी रोशनी में नहाया इलाहाबाद हाईकोर्ट भी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इतराता दिखा। इतराए भी क्यों ना, मानो पूरा शहर हाईकोर्ट देखने पहुंच गया हो। हाईकोर्ट परिसर में और दोनों तरफ सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई, जगह ही नहीं बची थी। हर आदमी तिरंगे की रोशनी जगमग हुए हाईकोर्ट को अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए समा लेना चाह रहा था। हाईकोर्ट को पहली बार आम आदमियों के लिए खोला गया था। हाई सिक्योरिटी जोन होने के बाद भी पहली बार हाईकोर्ट के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। लोगों में हाईकोर्ट की फोटो को अपने कैमरे में कैद करने की और सेल्फी लेने की होड़ दिखी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सतीश ओझा ने बताया कि इस बार आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस देश के लिए विशेष है। मोदी जी का हर घर तिरंगा का आह्वान विशेष रहा है। शहर और सभी ऐतिहासिक भवनों को सजाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष हो गया है। हर साल हाईकोर्ट के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, इस बार अनुमति मिलने से लोगों में खास उत्साह है। प्रयागराज की सोनी गुप्ता ने बताया कि इस साल की सजावट विशेष रहा है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजबली केसरवानी ने बताया कि इस बार मोदी जी के राज में पूरे देश को सजाया गया है। हाईकोर्ट को विशेष रूप से सजाया गया है, जैसे लग रहा है दशहरा आज ही। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट को पहली बार आम लोगों के लिए 4 दिन तक खोला गया। परिसर के भीतर 2 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। हाईकोर्ट भवन को 3 रंगों की विशेष रोशनी से सजाया गया। इस सजावट से यह ऐतिहासिक भवन तिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। यह व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के आदेश के बाद की गई। आम लोग बिना पास के सिक्योरिटी चेक के साथ परिसर में प्रवेश कर सेल्फी ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।